जिस पार्टी को 17 MLA दिए और कहा कि तुम गवर्नमेंट बनाओ, वो आज 5 MLA बचे और उनके भी शायद 2 के बेटे बेटियां जाके उसमें शामिल हो गए। ये तो चीटिंग है, ये तो सही नहीं है। जो MLA अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, जब उनसे जाके लोग पूछते हैं अपने एरिया के, उस एरिया के, कि आप क्यों अपनी पार्टी छोड़ के गए, तो बोले कि हम रूलिंग पार्टी में जाना चाहते थे ताकि लोगों के काम करवा सकें। मैं गोवा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके काम हुए? वो कह रहे हैं आपके काम कराने के लिए गए थे। उन्होंने आपके काम किए कि अपने काम किए? आप सर्वे करा लीजिए, जो जो MLA अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए उनकी एरिया के अंदर, उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर क्या लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों के काम किए। हमारी पार्टी पिछले 1 साल से खूब जमीन के ऊपर घूम रही है, गांव गांव में जा रही है, घर घर में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है, और लोग कहते हैं कि साहब हमारे काम कराने नहीं गए थे ये, या तो पैसे के लिए गए थे या पोजीशन के लिए गए थे। लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे, लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये गए थे। और पिछले 10 दिन से गोवा के अंदर जब से हमने ये कैंपेन छेड़ा है, विश्वासघात जो लोगों के साथ, गोवा के लोगों के साथ हुआ, दोनों पार्टियों ने किया और उन MLAs ने किया, आई थिंक हमने लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया है। हजारों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों लोग कसम खा रहे हैं कि अब इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, इन दोनों पार्टियों ने दगा किया है। हजारों लोग कसम खा रहे हैं, हजारों लोग नेट के ऊपर मिस कॉल करके वादा कर रहे हैं कि इस बार दोनों पार्टियों को भी और MLAs को भी हम वोट नहीं देंगे, इनको मजा चखाएंगे। गोवा के लोग अब साफ राजनीति चाहते हैं, गोवा वॉन्ट्स चेंज, गोवा वॉन्ट्स क्लीन पॉलिटिक्स। गोवा के लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने किस तरह इन दोनों पार्टियों को लात मार के एक क्लीन पॉलिटिक्स को, नई किस्म की पॉलिटिक्स को दिल्ली के अंदर जन्म दिया। तो गोवा के लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो गोवा में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिल सकती है तो गोवा में पावर कट क्यों लगते हैं? अगर दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, इतने अच्छे सरकारी हॉस्पिटल बन सकते हैं, तो गोवा के अंदर अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा इलाज क्यों नहीं मिलता? गोवा के लोग जानना चाहते हैं कि उनको अच्छे स्कूल क्यों नहीं मिलते, अच्छी सड़कें क्यों नहीं मिलती, अच्छा पानी क्यों नहीं मिलता। गोवा के लोग भी क्लीन पॉलिटिक्स चाहते हैं।